122. I have counted 122 notes. जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, जब मैं छोटा था तो क्लास 4 या 5 में, तब मैं एक हाथ से ताली बजाया करता था और अपने दोनों ईयर्स मूव किया करता था। तो उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया। फिर 2006 में मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वो एक हाथ से ताली बजा रहे हैं, तो फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा कि यार ये तो मैं छोटे में भी किया करता था। तो फिर वहाँ से उसके बाद में मैंने इसकी प्रैक्टिस बढ़ाई, फिर दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ मिलाया और फिर कंप्यूटर के साथ में मैं कॉम्पिटिट किया करता था कि कंप्यूटर एक साथ में कितने काम कर सकते हैं और मैं कितने काम कर सकता हूँ। फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैं 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, अब और भी कोशिश कर रहा हूँ कि और भी आगे कर सकता हूँ कि नहीं, 7 की 8। तो ये जो मैं करता हूँ 6 चीज़, इसको मैंने नाम दिया था 6 कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इससे मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इसके लिए तो मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ा, और दरअसल इसकी प्रैक्टिस मैं रात को ही करता हूँ अपने दिन के काम के बाद में, जब काफ़ी शांत माहौल हो रात का, उसी में मैं इसका प्रैक्टिस करता हूँ और काफ़ी दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसका तो इसका तो क्या क्या आप दिखाते हैं, इसका किस किस क्या क्या दिखाते हैं लोगों को, किस प्रकार से करते हैं? ये 6 चीज़ें कि एक हाथ से ताली बजाना, दोनों ईयर्स मूव करना, नोटों को भी मूव करना और उनकी गिनती बताना, एक पैर पे खड़े होके एक लेग को स्विंग करना, शेक करना। ये 6 चीज़ों को मिला के 6 कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है कि 6 चीज़ें एक साथ हो रही है कि नहीं और मैंने कितने नोट गिने वो बताना। आगे और क्या क्या ये और कैसे 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो कि क्या मैं 8 9 10 चीज़ें एक साथ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं किया। इसलिए मैं और आगे कोशिश कर रहा हूँ गिनीज बुक के लिए। अभी तो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड एसोसिएशन में रिकॉर्ड बना है, इसके लिए भी आगे अब मैं ट्राई करूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम चिंपू सिंह ओबेरॉय। ये जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, जब मैं छोटा था तो क्लास 4 या 5 में, तब मैं एक हाथ से ताली बजाया करता था और अपने दोनों ईयर्स मूव किया करता था। तो उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया। फिर 2006 में मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वो एक हाथ से ताली बजा रहे हैं, तो फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा कि यार ये तो मैं छोटे में भी किया करता था। तो फिर वहाँ से उसके बाद में मैंने इसकी प्रैक्टिस बढ़ाई, फिर दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ मिलाया और फिर कंप्यूटर के साथ में मैं कॉम्पिटिट किया करता था कि कंप्यूटर एक साथ में कितने काम कर सकते हैं और मैं कितने काम कर सकता हूँ। फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैं 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, अब और भी कोशिश कर रहा हूँ कि और भी आगे कर सकता हूँ कि नहीं, 7 की 8। तो ये जो मैं करता हूँ 6 चीज़, इसको मैंने नाम दिया था 6 कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इससे मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। क्या लग रहा है कि इसके लिए आपको कितना दिन प्रैक्टिस करना पड़ा? इसके लिए तो मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ा, और दरअसल इसकी प्रैक्टिस मैं रात को ही करता हूँ अपने दिन के काम के बाद में, जब काफ़ी शांत माहौल हो रात का, उसी में मैं इसका प्रैक्टिस करता हूँ और काफ़ी दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसका तो इसका तो क्या क्या आप दिखाते हैं, इसका किस किस क्या क्या दिखाते हैं लोगों को, किस प्रकार से करते हैं? ये 6 चीज़ें कि एक हाथ से ताली बजाना, दोनों ईयर्स मूव करना, नोटों को भी मूव करना और उनकी गिनती बताना, एक पैर पे खड़े होके एक लेग को स्विंग करना, शेक करना। ये 6 चीज़ों को मिला के 6 कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है कि 6 चीज़ें एक साथ हो रही है कि नहीं और मैंने कितने नोट गिने वो बताना। आगे और क्या क्या आपका प्लान क्या है, आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे मैं देख रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ इसमें कि और कैसे 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो कि क्या मैं 8 9 10 चीज़ें एक साथ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं किया गिनीज बुक में आपने रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए जो बात, ये कहाँ तक आपका पूरा हो पा रहा
इसके लिए भी मैं और आगे कोशिश कर रहा हूँ गिनीज बुक के लिए। अभी तो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड एसोसिएशन में रिकॉर्ड बना है, इसके लिए भी आगे अब मैं ट्राई करूँगा। क्या नाम होगा? मेरा नाम चिंपू सिंह ओबेरॉय है।